इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसे रोगियों के खाने पीने के बारे में जो रोगी एलोपैथी, एलोपैथी का मतलब कीमो, रेडिएशंस या अन्य एलोपैथी की दवाओं के साथ साथ जीवन चिकित्सा पद्धति को लेना चाहते हैं। ये कहना भी चाहता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ परिणाम, सबसे अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे अगर कीमो के साथ आप जीवन चिकित्सा को लोगे, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आप ठीक हो जाएंगे। खैर, भोजन के विषय में चर्चा करेंगे, तो ऐसे रोगी जो कीमो भी ले रहे हैं और जीवन चिकित्सा पद्धति की दवा भी ले रहे हैं, तो उन रोगियों को खाने में क्या खाना है? अनाज। ऐसे रोगियों के लिए अनाज के रूप में क्या क्या उपलब्ध है वो रोगी खा सकते हैं? जौ, चना, मक्का, बाजरा, मिलेट्स, मूंग, सिंघाड़ा, रागी, ये सब खा सकते हैं। गेहूं बहुत कम मात्रा में और चावल बिल्कुल नहीं। इसमें प्राथमिकता से ज़्यादा क्या खिलाना है रोगी को, इस विषय में रोगी के परिवार को ये देखना है कि रोगी किस की रोटी रुचि लेके खा रहा है, ये नहीं देखना है क्या ज़्यादा खिलाना है। वैसे अगर रोगी रुचि लेके खाए तो ज़्यादा खिलाना है मूंग, सिंघाड़ा और 5 प्रकार के मिलेट्स, रागी। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि रोगी रुचि कहाँ ले रहा है। अगर रोगी रोटी गेहूं की में रुचि ले रहा है, तो गेहूं में थोड़ा सा चना जो मर्ज करके आप खिला दीजिए, क्योंकि कीमो के दौरान रोगी की भूख भी कम हो जाती है, इच्छा भी कम हो जाती है और उससे शरीर में हीट भी जनरेट होती है, तो ऐसा आप करके उसकी रोटी खिलाइए। सब्जियाँ, सभी प्रकार की हरी सब्जियाँ आप खिला सकते हैं। प्राथमिकता से ऐसे रोगी जिनको कीमो लग रही है, उनको जिन सब्जियों में मधुर रस है उनका ज़्यादा सेवन कराना है, जैसे गाजर है, चकुंदर है, इनका ज़्यादा सेवन करवाना है, पालक, धनिया, आपका पुदीना, मेथी, चना, ये सब हरी सब्जियां खिलाएं, करेला खिलाएं खूब, आपका तोरूं, घिया और कम मात्रा में भिंडी दें और पेठा खूब खिलाएं, ये सारी सब्जियां आपको खिलानी है। उसके बाद फल, सभी प्रकार के फल आप उनको खिला सकते हैं, कोई भी फल की मनाही नहीं है। आप बोलोगे आम, आम सीमित मात्रा में खिला सकते हैं, आप बोलोगे अनानास खूब खिलाएं, मौसमी खूब खिलाएं, लेकिन थोड़ा सा खांड मिला लें, संतरा खूब खिलाएं आप, उसके बाद आपका किन्नू खूब खिलाएं, अंगूर खिलाएं, जामुन खिलाएं, बेलगिरी खूब खिलाएं, बहुत अच्छा है बेलगिरी, जिनको कीमो लग रही है उनके कीमो के साइड इफेक्ट कम करने में सक्षम है बेलगिरी। उसके बाद और भी जितने सीजनेबल फल हैं जिनका नाम लेने से मैं भूल गया हूँ, जैसे अमरूद, अनार त्रिदोष नाशक है, खूब खिलाएं। और भी फल मैं भूल गया हूँगा क्योंकि मैं लिखता नहीं हूँ, सीधा बोलता हूँ, तो आप सभी फल खिला सकते हैं। खट्टे फलों में थोड़ी खांड या शहद मर्ज कर लें। उसके बाद सब्जियाँ हरी सारी हो गई है, ड्राई फ्रूट, सभी ड्राई फ्रूट्स खिलाएं, केवल लीवर कैंसर में आप काजू कम से कम खिलाएं, बादाम खूब खिलाएं, ब्रेन कैंसर में अखरोट ज़्यादा खिलाएं, फिर आप मुनक्का खूब खिलाएं, अंजीर खूब खिलाएं, आपके जो है अलग अलग फ्रूट्स को सुखाया जाता है, सूखे सेब, सूखे मेवे, पिस्ता सब खिलाएं। बादाम को खिलाने का श्रेष्ठ तरीका मैं आपको बताता हूँ, रात को गोमाता के दूध में भिगो दो, सुबह पत्थर पे घिस के बादाम अखरोट को इस तरीके से चटाएंगे तो बहुत गुणकारी हो जाएगा। मुनक्का बीज वाली गोमाता के दूध में उबाल के पिलाएंगे, बहुत गुणकारी हो जाएगा। खजूर अवश्य खिलाएं, और बहुत सारी जगह पे शहद के खजूर, गुड़ के खजूर भी कुछ तैयार करने लगे, वो भी आप खिलाएं, बहुत अच्छा है। मिठाई, चीनी को नहीं खिलाना बिल्कुल, देसी खांड, धागे वाली मिश्री, शहद, देसी गुड़ खूब खिलाएं। उसके बाद घी या तेल, देसी गोमाता का घी खूब खिलाएं, अलसी का, तिल का, नारियल का तेल खूब खिलाएं, मूंगफली भी खूब खिला सकते हैं, मूंगफली का तेल सीमित मात्रा में दे सकते हैं। तिल अवश्य खिलाएं, काले तिल और सफ़ेद तिल अवश्य खिलाएं। रोजाना रोगी को शाम को अगर कच्चा नारियल खिला सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो सूखा नारियल लगभग 10 से 20 ग्राम अवश्य दें। अपनी आंखों के सामने निकला हुआ नारियल का तेल भी 1 चम्मच रोगी को दे सकते हैं। दूध केवल देसी गौमाता का और बकरी का दे सकते हैं। अगर दूध नहीं मिल रहा है किसी परिस्थिति में, तो जिनको कीमो लग रही है उनको आप भैंस का भी दूध दे सकते हैं, लेकिन हल्दी डाल के। उसके बाद आपका बच गया तेल, घी, दूध सब हो गया, मिठाइयाँ बच गई, मिठाइयाँ खूब खिलाएं, लेकिन देसी गोमाता के दूध से बनी हुई, बकरी के दूध से बनी हुई या शुद्ध भैंस का आपकी आंखों के सामने निकला हुआ
सीमित मात्रा में मिठाई, देसी खांड मिलाते हुए गाजर का हलवा और जितने भी पाक हैं वो खिला सकते हैं। चमन प्रास खूब खिलाएं रोगी को। आंवले के जितने भी उत्पाद बनते हैं वो खूब खिलाएं। बेलगिरी का मुरब्बा खिलाएं, आंवले का मुरब्बा खिलाएं खांड में बना हुआ। तो सारे मुरब्बे फलों के आप खिला सकते हैं। मसाले सारे रसोई के मसाले यूज़ करें, केवल अमचूर यूज़ नहीं करना, इमली यूज़ नहीं करना, चाइनीज़ कोई भी केमिकल आपको यूज नहीं करना है। तो ये मुख्य मुख्य बातें थी। फिर भी कोई प्रश्न आपके मन में रह गया, पानी शुद्ध दें प्राकृतिक रूप से, गंगा जल या नर्मदा जल या बारिश का जल या मिट्टी से निकला हुआ सीधा पानी अमृत के समान होता है। पानी को शुद्ध करने के लिए जामुन की लकड़ी, सहजन के बीज और अन्य चीज़ें यूज कर सकते हैं। पत्तों में आप मूल रूप से गेहूं के जवारे, जौ के जवारे और हरी दूब शीशम के पत्ते ये ज़्यादा प्राथमिकता से दें। बाकी अन्य पत्ते जैसे गिलोय का पत्ता है, पपीते का पत्ता है, अर्जुन का पत्ता है, कचनार का पत्ता है, पीपल बड़, इनको भी आप सीमित मात्रा में रोगी को प्रयोग कराएं। वंदे गो मातरम।